नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी अच्छी ही लग रही हूँ। आज मैंने ये एक नया ड्रेस पहना है, फुलकारी ली है, बिल्कुल पंजाबी मुटियार बनी हूँ। लेकिन मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। काश कोई मुझे थाली परोस के दे दे। अरे वाह, अभी सोचा थाली आ भी गई। बट यार, ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बट कल ना मेरी सिस्टर का बर्थडे था, तो चलिए सिस्टर को हैप्पी बर्थडे की विश कर देते हैं। तो ये है मेरी सिस्टर। बच्चों ने उनका बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया, जिसे देख करके उनको बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज ही दिया। तो हैप्पी बर्थडे दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू। सो दोस्तों, बर्थडे केक कट गया, अभी हम बनाएंगे झटपट बनने वाली रेसिपी। तो हम बनाएंगे आज कुकर में मस्टर्ड ऑयल लिया, जीरा डाला है, लहसुन प्याज डाल दिया है। दोस्तों, कुकर में बहुत जल्दी सब्जी बन जाती है, बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी सब्जी गल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुकर में अगर सही तरीके से आप सब्जी बनाओगे, कोई भी सब्जी, वो ज़्यादा ऐसे नहीं होती, तो उसकी खिचड़ी सी नहीं बनती है। तो आप जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप देखिए, हमने तड़का भून लिया। तो हम बना रहे हैं आलू मटर और न्यूट्रेला। न्यूट्रेला मैंने पहले भी घो के रख लिया है। तो अब हमने तड़का भून लिया था, उसमें ये सब डाल दिया है। तो नॉर्मल मसाला हमने ऐड किया है, नमक, मिर्च, हल्दी एंड गरम मसाला। इससे अलावा मैं दूसरा मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, और गरम मसाला भी मेरा घर का ही बना होता है। तो मिक्स कर लिया है, अब हम इसको देंगे एक सिंगल सीटी। तो चलिए वेट करते हैं एक सिंगल प्रेशर का। तो प्रेशर हमारा आ गया, और उसके बाद तुरंत हमने गैस को रिलीज़ कर देना है। ढक्कन खोल लीजिए। अब देखिए, हमारी जो सब्जी है 95% पक चुकी है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पे गैस पे रखना है, ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो उसका सूख जाए। और हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है। देखिए, हमने बाहर निकाल लिया है सब्जी को। देखने से आप लग रहा है ना एकदम से खड़ी खड़ी सी सब्जी। सो हमारा ये तरीका आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको अच्छा लगेगा। सो यहाँ मैं और मेरी सिस्टर, सो गपशप मारते हुए हम दोनों सिस्टर्स। ओ दुनिया ते लख रिश्ते पैणा पैणा ही हुंदियां ने।